इमेजिन करो कि आपका बर्थडे है और आपको आपके किसी करीबी इंसान नहीं, कोई प्रॉपर्टी नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा आइलैंड गिफ्ट कर दिया, तब आपको कैसा लगेगा? तो आपको पता है, ऐसा क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने अपने एजेंट जॉर्ज मेंडेस के साथ ऐसे ही किया था। मतलब जो उनका एजेंट है, ऑफिशियल एजेंट, जो कि उनके वर्क के कुछ पार्ट को हैंडल करता था, उनको साल 2015 में जब उनके एजेंट का वेडिंग एनिवर्सरी था, सालगिरह था, तब पूरा का पूरा एक आइलैंड गिफ्ट कर दिया। मतलब एक फ्लैट नहीं, एक घर नहीं, एक लैंड नहीं, बल्कि एक पूरा का पूरा ग्रीक आइलैंड। एंड इस चीज से रिलेटेड आप कई आर्टिकल्स को देख सकते हो। मतलब आप सोच सकते हो कि उनका नेट वर्थ कितना होगा। क्या आपको पता है कि ये साइंस से रिलेटेड एक बहुत ही अमेजिंग फैक्ट है कि मतलब ऐसा माना जाता है कि निकोला टेस्ला के पास कुछ ऐसे सीक्रेट फॉर्मूलास थे ना, जिससे वो पूरे वर्ल्ड को फ्री इलेक्ट्रिसिटी या फिर वायरलेस इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते थे। मतलब इमेजिन करो कि जो अभी के टाइम पे जो वायरलेस चार्जिंग होता है फोन का, वो लिटरली वायरलेस नहीं होता है। मतलब ऐसा नहीं होता है कि आप अपने हाथ में फोन को चला रहे हो और आपका फोन चार्ज हो रहा है, ऐसा तो नहीं होता है ना। तो ये एज स्पीकिंग वायरलेस नहीं हुआ, बट क्योंकि कुछ तार नहीं होता है इसलिए वायरलेस माना जाता है। बट इमेजिन करो कि आपका जो रूम का पावर सोर्स है वो कोने में है और आप अपने हाथ में फोन को चला रहे हो और वायरलेसली वो चार्ज हो रहा है। तो ऐसा माना जाता है कि उनके पास ऐसे कुछ रिसर्च पेपर्स थे जिसमें ऐसा कुछ था जो कि लॉस्ट हो गया है उनके मरने के बाद। मेरे को भी ऐसे ही लगता है कि हाँ, इतिहास में ऐसे कई इन्वेंशंस हैं जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए लाइफ चेंजिंग होते हैं, पूरे वर्ल्ड के लिए हर एक इंसान के लाइफ को चेंज करता, बट सामने नहीं आ पाया, या तो किसी के चाल के चलते, किसी के साजिश के चलते, या फिर नेचुरली वो सामने नहीं आ पाया, बट वो बहुत वर्थ का था। क्या आपको पता है कि इतिहास के ये सबसे गजब अजब चीज के बारे में ये फैक्ट है? क्या आपको पता है कि लोग अपने बच्चों को पार्सल में भेजते थे लिटरली? मतलब हम लोग सामान को भेजते हैं पार्सल के थ्रू, पोस्टल सर्विसेज के थ्रू, बट क्या किसी इंसान को भेज सकते हैं? ये तो सुनने में काफी अजीब लग रहा, बट 1913 के पहले ऐसा होता था ओहायो अमेरिका और बहुत सारे जगहों पे। 1913 के पहले पोस्टल सर्विस के थ्रू बच्चे भेजते थे लोग अपने। जैसे मान लो कोई फैमिली अपने बच्चे को दादी माँ के पास भेजना चाहता है, तो वो पोस्टल सर्विस का यूज करके भेज रहा है। ऐसा होता था पहले, सोचो। ये एक बहुत ही डीप फैक्ट है, बट मजेदार है, सुनना इसे। क्या है कि जब आप नर्वस होते हो ना, हम लोग बहुत सारे सिचुएशन फेस करते हैं। जैसे आप क्लास में हो और आपको कोई उठा दिया, बोला कि आप इसको पढ़ के सुनाओ या फिर कोई स्पीच दे के सुनाओ, तो इसमें नर्वस होना कोई बुरी बात नहीं है। आप नर्वस हो रहे हो, इसका मतलब आप एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हो। आप किसी का दिमाग सुन रहेगा या फिर अल्कोहल के अंदर इन्फ्लुएंस्ड है या फिर उसका दिमाग एबनॉर्मल है, तो नर्वस नहीं होगा ऑफ कोर्स। बट एक नॉर्मल सोशलाइज करने वाला ह्यूमन बीइंग, एक एब्सोल्युटली नॉर्मल ह्यूमन बीइंग जरूर नर्वस होगा। ये एक नेचुरल सा चीज होता है, ठीक है? तो क्या है कि कुछ लोग ज्यादा नर्वस होते हैं कुछ लोगों के मुकाबले। तो मेन फैक्ट ये है ना कि जब आप नर्वस होते हो ना, तो आपके मन में ये चलता है कि सामने वाला मेरे को ध्यान से देख रहा है और सामने वाले को पता है कि मैं नर्वस हूँ, ऐसा आपको फील होता है। बट क्या आपको पता है कि ऐसा नहीं होता एक्चुअल में। जितना आप सोचते हो कि लोग आप पे फोकस कर रहे हैं, उससे कई कम एक्चुअल में लोग फोकस करते हैं। एंड ये एक फैक्ट है, मैं कैसे बताऊं आपको। इस साइंटिफिक फेनोमेनन को इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी कहते हैं, इल्यूजन ऑफ ट्रांसपेरेंसी। और ये बहुत लोगों के साथ होता है। मतलब लोगों को ये लगता है कि बाकी लोग हमारे नर्वसनेस के बारे में अवेयर है, ले हम तो मामला हमारे तो लग गए, बट ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इसलिए आप जो काम कर रहे हो उसको आपको करते रहना चाहिए, ये ना सोच के कि लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं। सिर्फ इसी चीज के बारे में माइंडफुल होने से, इसी फैक्ट को जानने के बाद ही आपका दिमाग अब जान चुका है कि ऐसा होता है, तो आपका ब्रेन अब कम नर्वस होगा और आपके नर्वसनेस के बारे में लोग अवेयर है इसको कम वैल्यू देगा। तो इसके बारे में अवेयर हो जाओ, और ये फैक्ट को जानने के बाद आप, क्योंकि आप अवेयर हो चुके हो, तो अब आप थोड़े से कॉन्फिडेंट तो बन ही चुके हो। ये फैक्ट है एक ऐसी चीज के बारे में जिसको हम लोग अक्सर डे टू डे लाइफ में देखते हैं। आप ऐसा जरूर देखते होंगे कि आप बैठे हो और आप अपने दोस्त या फिर किसी भी इंसान को ऐसे बोल रहे हो, सुन सुन सुन, अरे सुन ना, सुन क्यों नहीं रहा,
और वो किसी चीज में खोया रहता है, ठीक है। तो ये चीज जो होती है ना, ये क्या होता है कि लोगों को लगता है कि जैसे वो इंसान हमें इग्नोर कर रहा है या फिर उसको सुनाई, मतलब क्या होता है, वो बात क्यों नहीं सुन रहा, वो अपने फोकस में क्यों खोया हुआ। तो ये एक बॉडी का नेचुरल सा चीज है कि जब इंसान फोकस्ड रहता है या फिर कोई काम कर रहा है तो ऐसी बात नहीं है कि वो सुन रहा होता है और इग्नोर कर रहा होता है। सुन के इग्नोर करना तो वो अलग ही केस हो गया ना, वो दूसरी चीज हो गई, वैसा कम ही होता है। मतलब आप सुन के कोई इग्नोर थोड़ी कुछ करता है, ऑफ कोर्स अगर आप आपके रिलेशन नॉर्मल है तो, बट होता ये है कि आपके बात को एट द फर्स्ट प्लेस वो सुनता ही नहीं है, वो टेम्पोरली डेफ हो जाता है, मतलब सुन ही नहीं पाता है। इस चीज को साइंटिफिकली इन अटेंशनल डेफनेस कहते हैं, इन अटेंशनल डेफनेस। और जब किसी का फोकस हाई होता है या फिर कोई काम कर रहा होता है तो वो काम को प्रोसेस कर रहा होता है, तब वो एक्चुअली में सुनता ही नहीं आपके बात को। तो जब कान, मतलब कान का जो बॉर्डर है उसके अंदर आपकी आवाज जाती ही नहीं, तो वो रिस्पॉन्ड कैसे करेगा। मतलब हम लोग जो कहते हैं ना कि अभी बहरा हो गया क्या, सुन क्यों नहीं रहा है, तो ये एक्चुअल में वो हो जाता है साइंटिफिकली स्पीकिंग, इन अटेंशनल डेफनेस। और ये तभी होता है जब वो किसी काम में फोकस्ड होता है या फिर अपने गर्लफ्रेंड से बात कर रहा होता है, दोनों ऑलमोस्ट सेम चीजें हैं। ये फैक्ट है रिलेशंस के बारे में। अलग अलग तरह के इंसान होते हैं, कुछ लोग शॉर्ट टर्म रिलेशन चाहते हैं, कुछ लोग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स चाहते हैं, और कुछ लोग सिर्फ कुछ ही दिन का रिलेशनशिप चाहते हैं। तो ये एक टर्म है, मैं आपको बता दूं, क्विर्की एलोन। क्विर्की एलोन जो टर्म है ये, मतलब बहुत लोग होंगे ऐसे, ये क्विर्की एलोन मतलब एक ऐसा इंसान जो कि ऐसे जस्ट कैजुअली कुछ दिनों का डेट, कुछ दिनों का गर्लफ्रेंड बनाना, ये ना करके वो बोलते हैं कि भाई मैं सिंगल ही रहूंगा एंड जब रिलेशन में आऊंगा तो लॉन्ग टर्म ही आऊंगा और उसको वाइफ ही बनाऊंगा। मतलब जो कैजुअली डेट ना करे बल्कि कहे कि अबे मैं सिंगल रह लूंगा, बट ऐसे ये सब नहीं करना है। तो ऐसे जो लोग होते हैं उनको क्विर्की एलोन कहते हैं। मैं आपको KGF मूवी के बारे में कुछ अमेजिंग फैक्ट्स बताना चाहता हूँ। क्या आपको पता है कि KGF जो है वो वन ऑफ द हाईएस्ट टाइम टेकिंग मूवीज है कनाडा में। मतलब जो कनाडा लैंग्वेज के जो मूवीज होते हैं वो यूजुअली जो एवरेज लेंथ है बनाने का टाइम, वो 6 महीने से 1 साल में मूवी बन जाती है जो कनाडा मूवीज होते हैं। बट इस मूवी को बनाने में 3 साल लग गए थे लगभग। आपको पता है KGF का जो सेट है वो बारिश के चलते वो बहुत बार टूटा भी था, बट वो बार बार उसी को रिबिल्ड करके इस शूट को कंप्लीट किए थे। KGF 1 की बात हो रही है यहाँ पे। KGF जो है वो फर्स्ट कन्नड़ा मूवी थी जो कि ऑल साउथ लैंग्वेजेस में रिलीज हुई थी और हिंदी में भी रिलीज हुई थी। और KGF 1 फर्स्ट मूवी थी जो कि 100 करोड़ के क्लब को पार की थी कन्नड़ मूवी के कैटेगरी में। और सबसे अमेजिंग फैक्ट है कि जो इसका जो आप जो भी सिनेमेटोग्राफी देखते हो, जो भी धूल देखते हो, ये सब एक्चुअल होते हैं। मतलब मूवी में VFX का यूज कम किया गया था, बहुत कम। ये सबसे लीस्ट VFX यूज्ड मूवी में से एक थी। बिना VFX के तो मूवी पॉसिबल नहीं है, बट कम से कम में बनाना एक अलग ही फीलिंग होती है। KGF 1 में करीब 80 करोड़ रुपए लगे थे, ये था उसका बजट, और बॉक्स ऑफिस में 250 करोड़ से भी ज्यादा कमाई इस मूवी ने की थी। और KGF 2 का जो बजट है वो 100 करोड़ रुपए है, मतलब पहले से और 20 करोड़ ज्यादा। एंड बहुत लोग तो ये भी कह रहे हैं कि ये शायद 1000 करोड़ भी पार कर सकती है, बट ये तो वक्त ही बताएगा। और बुक माई शो जो ऐप है, उस ऐप को भी तो बहुत लोग बुकिंग के लिए यूज करते होंगे, तो उसमें लाइक्स और इंटरेस्ट होते हैं जो कि हम लोग ऐप में देख सकते हैं। तो उसके स्टैटिस्टिक्स की बात करें तो KGF में ऑलमोस्ट 2 मिलियन इंटरेस्ट हैं, जो कि बुक माई शो में वन ऑफ द हाईएस्ट है। तो ये थे आज के कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। ऐसी और फैक्ट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो, और वीडियो को लाइक जरूर करना, और वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट जरूर करना, और वीडियो को शेयर भी कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।